Hey guys, welcome to Fanatics Gaming. This is Ritika here and I'm back with a new video. और बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि नए हेडफोन्स परचेज करने हैं एंड फाइनली परचेज कर ली. और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग. इन हेडफोन्स का नाम है JBL Quantum 100 और अभी तो फिलहाल आपको बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है. डिस्कॉर्ड वेरीफाइड, सारे जो भी इसके फीचर्स हैं, चीज़ें हैं, सब लिखा हुआ है बॉक्स पर ही. प्राइस इस पे ज़्यादा लिखा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मेरे को पड़ गया ये. और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है. और या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. तो थोड़े बहुत फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे बॉक्स के पीछे. यहाँ पे 40mm ड्राइवर हैं इसके, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है एंड डिटैचेबल वॉइस फोकस माइक्रोफोन, डिटैचेबल माइक है एंड देन ऑल प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी. इसमें बढ़िया चीज़ है कि यू नो यू कैन यूज़ इट विद एक्सबॉक्स, यू कैन यूज़ इट विद योर PC, योर फ़ोन, हर चीज़ के साथ कंपैटिबल है, तो कोई सीन नहीं है उसका. चलो देखते हैं अंदर से हेडफोन्स जो हैं कैसे निकलते हैं. बाय द वे, ये जो भी हेडफोन्स थे अमेज़ॉन में बेस्ट सेलर चल रहा था. और इससे पहले आप थोड़ा बहुत, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ परचेज करती हूँ मैं उसको पहले तो रिसर्च करूँगी, वीडियोज़ देखूँगी, रिव्यू पढ़ूँगी. हर एक चीज़ देखने के बाद, सोचने के बाद ही मैं जाके कोई चीज़ परचेज करती हूँ. तो डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ लेते हो, कोई भी चीज़, मैं अगर आपको सजेशन देती हूँ, वैसे वो माइक था पहले जैसे अनबॉक्सिंग वीडियो आई थी, अब पहले ये था, वो चीज़ अगर मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ, खुद के लिए रिसर्च करती हूँ, तो डेफिनेटली वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ही करूँगी और आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो. तो जल्दी से हेडफोन्स जो हैं हम देखते हैं. सबसे पहले जो बॉक्स है उसको साइड पे रख देते हैं. तो ये रहे हेडफोन्स. अब जब तक मैं इसको आगे जो है अनबॉक्सिंग करती हूँ कंटिन्यू, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये हेडफोन्स के क्या फीचर्स और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. ये जो हेडफोन्स हैं इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो है RGB नहीं होने वाले. आई नो बींग अ गेमर, RGB हम हर चीज़ में देखते हैं कि क्या RGB, मतलब जहाँ माउस हो, कीबोर्ड हो, हर चीज़ में हमें होता है कि RGB होना चाहिए. येस आई डू एग्री, बट यहाँ पर RGB नहीं मिलेगा. एंड द पॉइंट इज़ वैलिड कि मोस्टली जो RGB वाले होते हैं उसमें आपको USB देखने को मिलता है. एंड मोस्टली जो मैंने देखा है मोबाइल गेमर्स होते हैं, मोबाइल गेमर्स अगर हैं तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, 3.5mm जैक चाहिए उनको, दैट इज़ इट. हाँ अगर आपको PC गेम्स खेलनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, अगर आपको मतलब दिखाना है कि RGB वाले पहनने हैं तो फिर आप वो ले सकते हो, दैट इज़ अवेलेबल. बहुत सारे इससे भी बेटर ऑप्शन शायद आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मोबाइल गेमिंग करते हो तो आपको वो चीज़ में थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों. पहले यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख लेते हैं. अच्छा यहाँ साइड पे एडजस्टेबल है, इसको जितना भी आप एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो. इसके जो भी कुशन्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं. इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि ये रोटेट हो जाता है, इसको आप रोटेट करके रख सकते हो. 3.5mm जैक है इसमें एज आई टोल्ड यू. और वायर जो है जो भी वो थोड़ी बेंड है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अक्सर जो भी केबल्स होती हैं, चार्जिंग केबल्स हो गई, USB केबल्स, वो ज़्यादातर यहीं ये जो पॉइंट है वहाँ से ब्रेक होती है. तो अगर आप ये यूज़ करते हो, मोबाइल गेमिंग करते हो, तो इसमें जो है ब्रेक होने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे. इसके साथ अब आपको एक डिटैचेबल माइक भी मिल जाएगा. अब अगर आप सिर्फ सॉन्ग सुन रहे हो तो इस टाइम पे आपको माइक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिटैच करके रख सकते हो. अगर आप उस टाइम पे गेमिंग कर रहे हो या माइक का यूज़ कर रहे हो किसी भी तरीके से, स्ट्रीमिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ये माइक को लगाना पड़ेगा. एंड सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं करना. सिंपल आप जाओगे, अटैच करोगे और ये जो माइक है उसको आप बेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कम्फर्टेबल लगे. देन ऑब्वियसली इसके साथ में वारंटी कार्ड एंड मैनुअल वगैरह सब मिलेगी. ऑल दो यहाँ पे मैं आपको जितना एक्सप्लेन करूँगी उसमें आपको समझ आ जाएगा. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको इतना खास कुछ समझने की ज़रूरत पड़े, बट स्टिल अगर आपको पढ़ना हो तो फिर आप जाके बाद में पढ़ सकते हो जब भी आप परचेज करो. तो या ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. अभी अभी इसको हम कर देते हैं साइड पर और मेन फोकस करते हैं हेडफोन्स पे.
तो सबसे पहले माइक अटैच कर लेते हैं। ये जो माइक है आपके हेडफोन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर लगेगा, एंड ये अगेन एक यूनिडायरेक्शनल माइक है, यानी जो भी आप माइक के फ्रंट से बोलोगे वो क्लियरली सुनाई देगा, और जो बैक साइड है वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा या बहुत कम सुनाई देगा, जो भी नॉइज़ है वो काफ़ी कम हो जाएगी उससे। हेडफोन की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आपको यूज़ करके मतलब लगेगा कि प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं लगेगा कोई चीप क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ऑब्वियसली JBL इज़ अ गुड ब्रांड, पहले भी मैंने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ईयरफोन्स यूज़ करें तो हमेशा क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बाकी जो कुशन्स हैं डिसेंट है, कंफर्टेबल है, अपर ब्रांड में भी कुशन लगा हुआ है, तो ओवरऑल अगर आप 3-4 घंटे आराम से गेमिंग करते हो तो आपको कंफर्ट लगेगा, कभी भी पेन नहीं फील होगा इस चीज़ को यूज़ करने में, मैंने खुद अभी तक यूज़ करके देखा है। उसके बाद हेडफोन के लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको दो बटन्स दिखाई देंगे, एक तो आप यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे आप माइक को म्यूट कर सकते हो। अगर आप उस टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर कुछ भी वजह से जैसे आपको एकदम माइक को म्यूट करना है तो यहाँ पे एक सिंपली बटन आपको प्रेस करना है, पुश करोगे एंड देन यहाँ पे खुश रहोगे। अब ये जो नया हेडफोन है उसकी माइक की क्वालिटी अभी हम टेस्टिंग करते हैं और आप फिर बताना कि आपको क्या फ़र्क पता चला। ऑलराइट, तो अभी आपको जो भी आवाज़ सुनाई दे रही है वो नए हेडफोन से सुनाई दे रही है। आई एम श्योर आपको कुछ डिफरेंस ज़रूर से पता चलेगा नए हेडफोन के माइक और पुराने हेडफोन के माइक में। एक बार मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको डिफरेंस पता चलता है, क्या क्वालिटी डिफरेंस है, सब कुछ आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एक चीज़ मैं और कह रही थी कि अगर आप हेडफोन्स जो है, बहुत लोग कहते हैं RGB हेडफोन्स नहीं है तो क्या फ़ायदा, ये अगर आप हेडफोन्स लोगे RGB वाले तो उसके साथ आपको USB भी मिलेगी, और USB अगर आप PC गेम्स खेलते हो तो बढ़िया है, आप सिंपली USB कनेक्ट करो एंड दैट इज़ इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल गेम ज़्यादा प्रेफर करते हो तो आपको चाहिए 3.5 mm जैक। अब काफ़ी सारे ऐसे भी हेडफोन्स हैं जिसमें आपको 3.5 और USB दोनों मिलेगा। अब दोनों चीज़ मिलेगी तो भी अगेन एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप मोबाइल गेमिंग ही करते हो सिर्फ तो USB आपके लिए वेस्ट है। तो बस यही है कि आप अगर मोबाइल से कनेक्टेड रहते हो तो 3.5 mm तो यूज़ हो जाएगा, USB बस एक आपके लिए बैगेज बन जाएगा कि हाँ एक साइड पे पड़ी हुई है और वो हेडफोन के साथ कनेक्टेड ही रहेगी तो आप उसको अलग भी नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ है, बाकी हेडफोन्स की क्वालिटी में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी अच्छी है, कुशन अच्छा है, माइक डिटैचेबल है, माइक को यूज़ करना है अटैच कर लिया, नहीं करना है सिर्फ गाने सुन रहे हो डिटैच करके रख दिया। जो माइक है यूनिडायरेक्शनल है, जो मैं आगे जो बोल रही हूँ वो सुनाई देगा, जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो उसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। केबल की लेंथ है वो भी काफ़ी डिसेंट है एंड प्लस आगे से जो है ये थोड़ा बहुत बेंड हुआ हुआ है जिसकी वजह से उसके ब्रेक होने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रीमियम एंड डिसेंट प्रोडक्ट है। अगर आपको इसके और कोई कलर लेना है, वाइट भी अवेलेबल है, ब्लू भी काफ़ी अच्छा लगा था, उसके लिए थोड़ा प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा बट वो भी काफ़ी अगेन अच्छा लगा था मेरे को, तो अगर आपको वो कलर परचेज करना है वो भी कर सकते हो। बाकी इसका बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो अगर आपको परचेज़ करना हो आप उस लिंक से परचेज़ कर सकते हो। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस हेडफोन को लेके एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो डेफ़िनेटली वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो फर्स्ट टाइम आए हो तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज की वीडियो पे विल एम फॉर 400 लाइक्स सो कम्प्लीट ज़रूर से करवा देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।